ये जो आप खबर देख रहे हैं ये खबर कहीं और की नहीं, यूपी के बाराबंकी जनपद की है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये गीत तो आपने सुना ही होगा। इसी के तर्ज पर वन विभाग व वन माफियाओं की चल रही है दोस्ती। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ वृक्ष धारा की धरोहर है, ये लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन पर्दे की आड़ में कुछ और ही नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं वन विभाग की, जहां प्रदेश की सरकार पेड़ लगाने और पेड़ों को बचाने के लिए वन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है और पर्यावरण को स्वच्छ और बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जनपद बाराबंकी के वन रेंज रामनगर अवैध कटानों में हमेशा अव्वल व सुर्खियों में रहा है। मामला तहसील सिरौली गौसपुर थाना व कोतवाली बदोसराय के अंतर्गत ग्राम अमरा देवी का है, जहां पर 5 आम 1 गूलर 4 महुआ जैसे प्रतिबंधित पेड़ों के साथ चिरवल जैसे पर्यावरण स्वच्छ रखने वाले पेड़ों को लगड़ कट्टों द्वारा काट कर नष्ट कर दिया गया और पेड़ों के अवशेषों को मिट्टी से दबा दिया गया। मीडिया ने जब इसके बारे में वन रेंजर रामनगर इस्माइलुद्दीन साहब से फोन के माध्यम से जानकारी ली तो उनको क्षेत्र की कोई जानकारी ही नहीं पता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। साथ में फॉरेस्ट हल्का दरोगा को रेंजर साहब ने फोन पकड़ा दिया और कहा आप बताएं। हल्का दरोगा ने परमिट होने की बात कहकर टाल दिया और व्हाट्सएप पर परमिट भेज देने की बात कही, लेकिन परमिट नहीं भेजा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वन विभाग व लकड़कट्टों की अच्छी साठगांठ रहती है। हालांकि कुछ देर पहले आपने एक गीत सुना था, उस गीत से किसी को ठेस पहुंचाना व किसी का मजाक उड़ाना चैनल का उद्देश्य नहीं है। तो इसी पर एक कहावत भी है, धरती बंजर हो गई बादल गए विदेश, पर्यावरण बिगाड़ कर लड़ते रहे सारे देश। अब देखना यह है कि खबर प्रसारित होने के बाद शासन और प्रशासन इस प्रकरण पर क्या कार्रवाई करता है। अब देखिए ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज शुक्ला, बाराबंकी। इसकी जड़ को भी दबाया गया, महुआ का पेड़ था, जड़ को दबा दिया गया ताकि किसी को इसका अंदाज़ा न लग पाए और लकड़कट्टे अपनी जेब भरते रहें। देखिए देखिए वन रेंज रामनगर की काली करतूतों का सामना किस तरह से लकड़कट्टों पर मेहरबान है विभाग, किस तरह से मेहरबान है। आप देख सकते हैं कि लकड़ी को काट करके उनकी जड़ों को छुपा देना कहीं ना कहीं एक आप समझ सकते हैं। देखिए ये भी किस पेड़ का, किस चीज़ का है पेड़, देखिए ज़रा, ये महुआ का दरख्त पेड़, ये भी बहुत बड़ा पेड़ था, इसको भी लकड़कट्टों की नज़र लग गई। और देखिए मिट्टी से ढकने की जो कवायद है ये आज से नहीं पुरानी है, हमेशा मिट्टियों की जो हटा करके ही उसकी जड़ को दिखाया जाता है, हमेशा ये काली करतूत इनकी इसमें शामिल रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की भी लापरवाही है, कहीं ना कहीं सरकार के जो आला अधिकारी कर्मचारी वन विभाग विभागीय हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। इतना बड़ा जंगल था, बड़े दरख्त पेड़ थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी ना तो परमिट लेने की, ना तो इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने की। आरा चलाया जा रहा बराबर, ये भी एक पेड़ है, इसकी भी मिट्टी को जड़ को मिट्टी से दबा दिया गया। ये भी महुआ का पेड़ है जो कि इस देख सकते हैं कि किस तरह से इसका खूद पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए खुल तो गवा, ये देखिए खुलेगा से नहीं है। ये भी महुआ का पेड़ है, ये भी बड़ा पेड़ था, आप देख सकते हैं कि घेरा है। जो है घेरा देखिए यहाँ तक, जरा गोला बनाइए देखिए कितना बड़ा पेड़ था, ये देखिए इतना बड़ा पेड़ था, लेकिन